राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से इंडिफेंस एकेडमी पे। तो एसएससी जीडी के रनिंग के लिए हम दो तुम्हारे लिए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खबर लेके आए हैं, जो कि तुम्हारे काम भी आ सकती है, जो कि एक जो है मतलब तुम्हें दोनों तरफ से फायदा भी है नुकसान भी है। उसके पहले आज रात 12 बजे तक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही चलेगा। 12 बजे के बाद हम एक भी कैंडिडेट नहीं लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो, आज कितनी तारीख है, आज 8 तारीख है, 9 तारीख को अगर कोई पेमेंट करता है तो पैसे हम ले लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी पेमेंट मत करना आज रात 12 बजे के बाद। इस नंबर पे करना है, ₹500 फोन पे या पेटीएम, उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप, ठीक है, 700-756-3032। और अपना नाम और अभी की टाइमिंग जरूर भेज दिया करो यार, कितने मिनट में तुम लोग दौड़ रहे हो। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। दो चीजें हैं देखो यार, ठीक है, दो चीजें हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज समझ लो, जब भी आप ITBP, असम राइफल, SSF और CRPF, BSF ये सब रेस देने जाते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है ये टफ जॉब है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आप नॉर्मल अपना 10 से 5 की ड्यूटी कर रहे हो, नहीं, ये 24 घंटे की नौकरी है और बहुत लोड होता है इसमें। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, हम वो बात करते हैं। एसएससी जीडी की रनिंग में दिक्कत यार ये आती है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाता है कि धूप में ना दौड़ाएं या इधर ना दौड़ाएं उधर ना दौड़ाएं, नहीं, इनके पास जब आपका काम होगा पूरा, जब उनको टाइमिंग मिलेगी आपकी रेस करा देंगे, क्योंकि आपको जब ट्रेनिंग के बाद होगा तब भी आपको ऐसी सिचुएशन में रहना है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि अगर आप यहाँ ग्राउंड पर भी तैयारी अपने कर रहे हो, 1-2 मिनट यार प्लस लेके चलो, मतलब कि आपकी टाइमिंग जैसे 24 मिनट है मान लो, तो आपकी टाइमिंग 22 मिनट 22.5 मिनट 23 मिनट में आनी चाहिए यहाँ पे। ये यूपी पुलिस नहीं है कि हमने कह दिया था 26 मिनट में आनी चाहिए तो वहाँ निकल जाएगी, नहीं, इसमें दिक्कत आपको बढ़ेगी, आपका डिसकम्फर्टेबल मतलब सॉरी आपका कम्फर्टेबल जोन नहीं रहेगा यहाँ पे। तो हम मोटिवेशन से हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हर समय मोटिवेशन काम नहीं आता है, मेहनत भी जरूरी है, उसके साथ में मोटिवेशन जरूर चल सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं होगा कब दौड़ा दिया जाए, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब गर्मी का भी एहसास हो, क्योंकि जून में मई में गर्मी सुबह 7 बजे से ही चालू हो जाती है, समझ में आ गई। दूसरी चीज यहाँ पे है कि कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे रोड पे रनिंग होती है, जैसे कि हम रामपुर में गए थे, रामपुर में रोड में रनिंग हुई थी। अब रोड में रनिंग का बेनिफिट क्या होता है, देखो रोड पे रनिंग करोगे तो धूप का तो वो रहेगा ही, लेकिन रोड पे रनिंग का बेनिफिट यार ये होता है कि तुम्हें स्पीड अच्छी मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम जो ग्राउंड में दौड़ते हैं तो उस समय स्पीड कम हो जाती है, लेकिन रोड में आपका रिदम बन जाता है, और जब रोड पे आपका रिदम बन जाएगा तो रनिंग में उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो एडवांटेज ये है कि रोड पे रनिंग, कई काफी जगह रोड पे रनिंग होनी है। डिसएडवांटेज ये है कि 1-2 मिनट, डिसएडवांटेज यही है कि 1-2 मिनट आपको प्लस में लेके चलना पड़ेगा, वरना वहां पे थोड़ा सा आपको मुश्किल होनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम रामपुर में देने गए थे ना, तो वहां तो खैर ठीक था, मतलब सारा सीन सब सही था, लेकिन रनिंग थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर था, लेकिन रेस थी वो अप्रैल मार्च में थी शायद, मार्च में, तो उस समय उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, लेकिन मई में हालत खराब हो जाएगी। और पानी भी मिला था, वो भी गर्म रखा था धूप में, ड्रम में वो पानी पिया था, तो तुम लोग समझो, क्योंकि जो तुम लोग नौकरी करने जा रहे हो वो आराम की नौकरी नहीं है। यहाँ हम डरा नहीं रहे, किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें सतर्क कर रहे हैं कि मेहनत डबल चालू कर दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एसएससी जीडी के लिए और एक दो वीडियो और बचे हैं वो और लाएंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। चलो अभी फिलहाल के लिए इतना।